प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे आज हम लुबना से जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कराची बेस्ड यानी कि पाकिस्तान में रहती थी और इनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे और इनके जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत पॉजिटिव इंडिया सेंटीमेंट्स इनके हार्ट में हैं और इसके पीछे आज हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। उनके फोर फादर्स के हवाले से बात करेंगे, इन्होंने माइग्रेट किया, कैसे किया, क्या एक्सपीरियंस रहा इनका, सब जानने की कोशिश करेंगे। लुबना आप बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। यस, तो मैं जो हूँ यूके में पैदा हुई हूँ एंड मैं यूके में ही रहती हूँ। पाकिस्तान में बचपन से गई हूँ, काफ़ी दफ़ा मैं आई हूँ। मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे एंड मेरा जो नाना नानी दादा दादी वो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे जब वो छोटे थे। एंड कुछ नहीं, काफ़ी दफ़ा मैं गई हूँ, जैसे मामों के शादी में, खालाओं की शादी में अटेंड करा मैंने पाकिस्तान। बचपन से मैं गई हूँ, पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान तब आई थी जब मैं 6 महीने की थी। और तो उर्दू भी मैंने ऑब्वियसली सीखी है, रिश्तेदारों से भी सीखे हैं, अम्मी घर में भी बोलती थी यूके में, एंड फिर बॉलीवुड की मूवियों से भी मेरे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो मुझे अफसोस होता है काफ़ी पाकिस्तान के हालात जब मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ब्रिटिश मानती हूँ मगर घूम फिर के ये बात होती है कि मैं अंग्रेज़ तो नहीं हूँ ना। तो पाकिस्तान से वो मेरा लिंक है क्योंकि मेरे माँ बाप पाकिस्तान के थे, मगर पाकिस्तान के हालात देख के मुझे काफ़ी अफसोस होता है कि अनफॉर्चुनेटली के जितना संभलना चाहिए था पाकिस्तान को उतना वो अभी डेवलप हुआ नहीं है। खैर, आगे जाके देखते हैं कि होता क्या है। तो मैं जो बातें करती हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियोस पे, मैं अपने जो यूके है, मैं जहाँ रहती हूँ ऑब्वियसली और जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मैं वहाँ के बारे में बातें करती हूँ, यूके से लिंक हुई हुई चीज़ों के बारे में। अब यूके में जो है पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझा जाता है, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को बातें समझाना, क्योंकि अंग्रेज़ों का मैं दिमाग समझती हूँ क्योंकि मैं इनके साथ बड़ी हुई हूँ और मैं क्योंकि पाकिस्तान भी कई दफ़ा गई हूँ, मैं पाकिस्तानी भी माइंडसेट समझती हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ब्रिज बनूँ। अब ब्रिज को पुल बोलते हैं ना उर्दू में, पुल, दोनों जो अलग अलग सोचे हैं उनको मैं मिलाने की, एग्जैक्टली मैं ट्रांसलेट दोनों के लिए करूँ के मसला क्या है, मैं चीज़ें हल करूं, मेरा ये मोटिव है। ऑफ कोर्स मगर लोग माइंड करते हैं, जो कुछ लोगों को जो दिमाग में मेरी समझ में नहीं आती मैं मेरी बात, वो थोड़े लोग, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं मुझे पाकिस्तानी बैकग्राउंड से, कुछ लोगों को माइंड भी होता है कि उनको समझ में नहीं आता भाई ये लड़की क्यों बैठ के ये बातें कर रही है। तो मेरा इंटेंशन अच्छा है, उम्मीद ये है कि लोग सुने मेरी बातें और समझने की भी कोशिश करें। के सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे इंडिया पाकिस्तान के कल्चर से रिलेटेड, जैसे आपने कहा कि आप बॉलीवुड मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, तो सब देखते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री तो सब भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, लेकिन अगर हम मूवीज़ की बात करें तो थोड़ा बहुत जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज नहीं किया जाता। यूके में बॉलीवुड और हॉलीवुड और पाकिस्तानी लॉलीवुड के हवाले से आपके क्या थॉट्स हैं, क्यों इतना डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के एंटरटेनमेंट सेक्टर पे? आई थिंक ऑब्वियसली पैसे इंडिया के पास ज्यादा हैं इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है जो बना था उस एक नया मुल्क बनाने में काफी कुछ लगता है, मेहनत लगती है, तो पाकिस्तान तो ऑफकोर्स पीछे है, मगर कॉन्टेंट भी अच्छा नहीं था। मैंने कभी पाकिस्तानी मूवियां नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट, मैं बॉलीवुड की मूवियां हम लोग देखते थे, पाकिस्तानी हाँ ड्रामे इंटरेस्टिंग थे, वो कौन सा था, अनकही और इस टाइप की जो ड्रामे थे पुराने, शायद आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। तो मेरे पास तुम हो बड़ा फेमस हुआ ड्रामा और बड़ा पसंद भी किया गया, इवन के इंडिया में जितने भी एशिया बेस्ड जो लोग हैं वो बहुत पसंद कर रहे थे इस ड्रामे को, मेरे पास तो वो, लेकिन अगर मतलब ऑब्वियसली अगर फैक्चुअल बात की जाए ना
तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा फ्लो है कि हमें चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आज अगर हम देखें, हमारे पास नेटफ्लिक्स अवेलेबल है तो हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं बहुत सारी। और मैं लिटरली अगर यूट्यूब पे पास्ट में देखा जाए तो इंडियन मूवीज़ बैन की गई पाकिस्तान में भी, और ये तो वो, मतलब हम फिर भी नेटफ्लिक्स पे जाके प्रॉक्सीज लगा कर देखा करते थे, तो बड़े शौक से देखते हैं अभी तक स्टिल। जो भी नेटफ्लिक्स पे इंडियन मूवी जो है वो ऐड होती है तो हम लाजमी देखते हैं। पाकिस्तान की मूवी मैंने कभी बड़े हो लाइक छोटे छोटी जब मैं थी मैंने कभी देखी नहीं, और एक दो जो देखी थी वो बहुत ही पंजाबी किस्म की थी कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी औरतें हैं, भैंस लगती थी टू बी ऑनेस्ट, लाइक हीरोइन नहीं लगती थी, अजीब सी थी। तो मैं कभी इम्प्रेस नहीं हुई इस टाइप की मूवियों को, और मैंने कभी ना देखा ना ना मैं किसी को जानती हूँ जो देखते थे। ड्रामे अच्छे थे जो साफ सुथरे थे। अब अभी भी यानी मैं कोई पाकिस्तानी ना ड्रामे देखती हूँ ना फिल्में देखती हूँ, इवन बॉलीवुड मूवियाँ देखने का मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, मैं काफी बिजी होती हूँ। मगर आई थिंक जहाँ जहाँ मुझे नजर आता है थोड़ा बहुत कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने हाँ बेहतरी करी है ऑब्वियसली पहले के मुकाबले में, क्योंकि अब उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं आप लोगों की वो अब ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। पहले मुझे लगता है कि जो पुरानी पुरानी एक्ट्रेसेस होती थी भले दिखने में फेस अच्छा था मगर थोड़ी सी मोटी थी और इतनी ही कोई एजुकेटेड फैमिली से नहीं आती थी, अब फर्क नजर आता है कि जैसे मैंने आपकी एक्ट्रेस को एक्चुअली वो इंटरव्यू भी करा था, मुझे याद ही नहीं आना, सनम सईद, सनम सईद को मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ बहुत साल पहले। तो और एक और एक्ट्रेस है आप लोगों की, उनका याद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मगर उनके भाई मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ अपने जो मेरे चैनल में है उनका इंटरव्यू पुराने जो है। तो वो अब ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, दिखने में भी अच्छी हैं, तो ऑफ कोर्स उनको देखने में ज्यादा मजा आता है, तो मगर मैं फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता पाकिस्तानी चीजें देखने का। अच्छा लुबना, ये बताइएगा कि कल्चर की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस फील करती हैं इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से? आपने जैसे कहा कि आपके जो मतलब हार्ट में इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार आप हमेशा करती रही हैं, क्या कल्चर के हवाले से डिफरेंस फील करती हैं? फोर फादर्स आपने आपके आपको क्या कल्चर बता के गए और क्या था? इंडिया में जो है उनका दिमाग प्रोग्रेसिव है, ज्यादातर जो इंडिया में लोग हैं जो मैंने देखा है अंग्रेजी उनकी अच्छी, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, डेवलपमेंट में ध्यान है। मुसलमान जो है स्पेशली पाकिस्तान के हराम हलाल के चक्कर में काफिर कौन है काफिर नहीं है, इन अजीब अजीब बातों में अपने टाइम वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ने का उनका वो होता नहीं है ज्यादातर। मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी नहीं है, होते हैं, मगर जनरली मैं बोल रही हूँ यानी सोच में बहुत फर्क है। तो इंडिया ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है, काफी अलग अलग जबानें हैं, 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी उन्होंने अपने मुल्क को संभाल के रखा है, सबको जोड़ के रखा है। एंड ऑफ कोर्स यू नो चलो पाकिस्तान अभी फिर भी नया मुल्क है मगर सिर्फ ज्यादातर मुसलमान है और ऐसा लग रहा है संभाला नहीं पा रहा लोगों से, तो अफसोस होता है देख के। मगर आई थिंक इंडियन कल्चर इंटरेस्टिंग है, मेरा काफी मन है जाने का इंडिया। मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स वो उत्तर प्रदेश के थे, लखनऊ इलाहाबाद के इलाके से, तो मेरा है मन जाने का मगर मैं इतने लोगों को जानती नहीं हूँ। और ऑफ कोर्स इतना बड़ा मुल्क है जाते भी डर लगता है कि मैं करूंगी वहां इतने सारे लोगों में, यूके में तो इतने थोड़ी लोग होते हैं, आई थिंक 60 मिलियन प्लस लोग हैं यूके में, उसके मुकाबले में इंडिया 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, तो सोच के डर लगता है इतना बड़ा मुल्क है। अच्छा आप यूके में हैं और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी यूके में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप क्या समझती हैं, आपने इंडियन से भी मुलाकात हुई, पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई, क्या डिफरेंस पाकिस्तानी लोगों में इंडियन लोगों में, क्या 75 सालों या 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, क्या डिफरेंस फील करती हैं दोनों कंट्रीज़ के लोगों में? इंडिया के लोग अपने दूसरे लोगों को अपने मजहब में बुलाने की कोशिश नहीं करते हैं, मुसलमान लोग कोशिश करते हैं कि अपने मजहब में लोगों को मिलाएं, लोगों को ज्यादातर जीने नहीं देते मुसलमान लोग, कि अपने अकड़ में रहते हैं कि हमारा मजहब सही है दूसरे इंसान का नहीं है, वो इंसान अपना मजहब बदले। इंडिया के लोग स्पेशली हिंदू लोग इस टाइप की चीजें नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को जीने देते हैं, अपना भले अपना कल्चर रखते हैं अपना मजहब रखते हैं मगर दूसरे लोगों को तंग नहीं करते। तो हमारे लोग जो है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि जब आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनके अलग अलग मजहब हैं, आप दूसरे लोगों को जीने दें भाई, दूसरे लोगों को रहने दें,
वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, आप अपने ऊपर फोकस करें। तो आई थिंक इन चीजों में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि घुलते मिलते नहीं हैं, अपने लोगों में ही रहते हैं पाकिस्तानी लोग, बाहर जनरली, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर उससे क्या होता है, जब आप अपने लोगों में रहेंगे, आप दूसरे लोगों को से आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे लोगों से आप तभी सीखेंगे जब आप दूसरे लोगों में घुलेंगे मिलेंगे। तो अगेन सोच बहुत गलत होती है कि ओ हम अंग्रेजों में घुलेंगे मिलेंगे तो हमें शराब पीनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। अरे किसी ने नहीं बोला कि आपको इस टाइप के काम करने, कौन करता है इस टाइप के काम। तो खुद अपने दिमाग में बुरा सोचते हैं और फिर लोगों से मिलते नहीं है। मगर अगर लोगों से मिलते तो उनका जो डर है वो चला जाता, कि ऐसा कोई नहीं बोलता आपको करने को, कोई भी गंदा काम, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पर कोई चीज करने के लिए, ना कोई फोर्स करता है, किसी के पास टाइम नहीं है फालतू का। तो अफसोस होता है देख के कि ये छोटी छोटी चीजें को समझ में नहीं आई अभी तक। अच्छा लुबना, आप खुद भी एक मुस्लिम हैं, और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी अक्सरियत ऐसी है कि ऑब्वियसली ये इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन हमें और कुछ जहाँ पर ये चीज़ें भी पाई जाती हैं ना, वहाँ पर लिबरल लोग भी हैं, जैसे जो कि बहुत फ्रीली फ्रीडम पसंद करते हैं, ये कह सकते हैं। तो आप खुद भी मुस्लिम हैं, तो फिर आप एक मुस्लिम होकर दूसरे मुस्लिम को, यानी कि हैं तो हम भाई भाई ही ना, कहते हैं ना कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान जो है वो भाई भाई है, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों, इतनी जो है वो हार्श वर्ड क्यों मुसलमानों के लिए? हार्श वर्ड इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान मुसलमान को ही अच्छे अच्छे मशवरे दें, एंड अनफॉर्चुनेटली ये भाई भाई के जो चक्कर है, इसी चक्कर में मुसलमान एक दूसरे को सही गलत का बताते नहीं हैं, अपने अकड़ में रहते हैं कि हम सब सही हैं। और मुसलमान है अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो भाई मुसलमान है तो उसको करने दो, ये नहीं होता। अगर आपको वाकई में फिक्र है अपने मुसलमान भाई बहनों की, तो आपको बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि भाई ये सही है ये गलत है। अगर आपको मुसलमान और इस्लाम के तौर पे अगर ये मजहब आपके लिए बहुत जरूरी है, तब आप मुस्लिम मुल्क में जाके रहें। मगर अगर आप खुद मुस्लिम मुल्क से आ रहे हैं और दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जो मुस्लिम मुल्क नहीं है, और उसी तरीके को उस मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया में भी जा सकते हैं, वो यूएई में भी जा सकते हैं, वो दोबारा पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान माहौल या मुस्लिम माहौल चाहिए, आप वहां जाके रहें। मगर दूसरे लोगों के मुल्क में आप खुद आ रहे हैं, फिर उनको तंग कर रहे हैं, तो लोग तो माइंड करेंगे ना फिर। तो आई थिंक मुसलमानों को बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें तमीज से, एक दूसरे को समझाएं, क्योंकि वरना आप लोगों को ही नुकसान है अगर आप लोग समझेंगे ना। तो इंडिया में मैंने ये देखा है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, वेस्टर्न मुल्कों में तो खूब करते हैं क्रिटिसाइज, ऐसे ही वेस्टर्न मुल्क आगे बढ़े कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मुसलमानों पर भी बस यही कि अपने बबल में रहते हैं पाकिस्तानी जो हैं, और अपने बबल में उनको गलत फहमी है कि बस अब यू नो कि हम सब सही हैं, सीखना नहीं चाहते। बाहर उस बबल से जाना जरूरी है, आप देखें कि बाहर और भी दुनिया और भी लोग क्या कर रहे हैं, उनसे सीखें भाई। तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है।